किस्म की हवस की नई कहानी सामने है। ताजा मामला भदोही के कोतवाली ज्ञानपुर अंतर्गत बैरा खास बंसीपुर नामक गांव की है, जहां पत्नी ने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए बीती रात अपने पति की किसी आशिक संग मिलकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की संदिग्धता को देखते हुए पूछताछ के लिए पत्नी को हिरासत में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र की असनाव बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत मरचवार गांव निवासी राजतलाल सरोज उर्फ पंडित 32 वर्ष अपने परिजनों से अलग रहकर बैरा खास बंसीपुर नामक गांव में काफी दिनों से पाही बनाकर पत्नी और बच्चों संग रह रहा था। रविवार की बीती रात उसकी पत्नी ने अपने आशिक के सहयोग से चारपाई पर सो रहे पति राजतलाल की चारपाई के उंचन में लगे रस्सी के सहारे अपने आशिक से हत्या करवा दी। हत्या के बाद आशिक फरार हो गया। इस संबंध में बताया जाता है कि मृतक राजतलाल की शादी मिर्जापुर जनपद की गंगापार नेहवा नामक गांव में 9 वर्ष पूर्व हुई सीता नामक युवती से हुई थी। शादी के बाद उसे 2 पुत्र और 1 पुत्री भी पैदा हुए, जिसमें अमन 5 साल, गुड्डू 3 साल और अमृता नामक बालिका की उम्र 1 वर्ष बताई गई है। बताया जाता है कि बीती देर रात पत्नी ने अज्ञात आशिक को इशारा करके घर में बुलाया और चारपाई में लगी उंचन की रस्सी से गला कसकर हत्या करवा दी। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला संदिग्ध पाकर पत्नी को हिरासत में ले लिया है और सब को जांच हेतु पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। यह भी बताया गया है कि पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर पहले से ही अनबन चली आ रही थी। इस बीच मौका पाकर किसी तरह से पत्नी ने अपने आशिक को घर बुलाया और घटना को अंजाम दे दिया। आइए देखते हैं क्या कुछ खास था भदोही से हमारे संवाददाता विकास मिश्रा के साथ। जी सर, क्या घटना हुई है यहाँ पे? देखिए, ये एक पंडित सरोज नाम का लड़का है जिसकी 26-27 साल की उम्र है और आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। घर वालों का जो कहना है कि साहब इसकी गोली से मरवा दिया है और जबकि जो बहू से है उसका कहना है कि इसने फांसी लगा दी है। तो जब तक इसका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है तब तक हम इसे क्लियर कट नहीं कह सकते कि ये इसने फांसी लगाई है, इसकी हत्या की गई है। इस बारे में हम लोग जांच कर रहे हैं। जी सर, पत्नी इसके साथ थी, उसका कुछ बयान आया है क्या? अभी तो उसका यही कहना है कि इसने लड़ाई करके फांसी लगा ली है। शकुंतला जी, कैसे हुआ है, क्या हुआ है पूरा, आप लोग क्या जानकारी मिली? साहब देखा, हम आए यहाँ से, हमारे फोन गवा है तो फोन सुने तो हमने रोट पीता टावा यहाँ यहाँ देखा था भैया हमारे खत्म है तो रोए लगे और हम ना जा सके तो देखा था तो उनके नटाई पर दर्द कच्चे लगा भाई के दर्द दब मारे हैं काला हो गया बाबा एकदम से। क्या लग रहा है आप लोग, क्या लग रहा है? हम लोग मौसी है। आप लोग क्या लग रहा है, कैसे क्या हुआ होगा? के दाई के दाग के मारे हैं, खटिया कोंचन काट के नहीं, खटिया कोंचन काट के रजाई से छापे हुए बेटवा बयान करा था, भगा लगाई थे छापे हैं तो क्या बता रहा उनका बच्चा आपको? वो बच्चा बताए थे दो आदमी आए रहे, हां दो आदमी आए रहे, बताओ तो है उमर बाबा बाबा पापा दारू पिए रहे नहीं मार पाए ना, दारू नशे में रहे ना, हमारे पापा के पकड़ पकड़ हम मारे रहे नहीं दारू तक ना। और यहां परिवार में कौन कौन था? दिमाग ना काम करता है, हमारे घर नहीं रह सकता, यही लगे रहे हम बाहर निकल दे। राजकुमारी, राजकुमारी जी, आपने क्या देखा सुबह, क्या आपको? हम साहब कुछ नहीं देखा, हमारे लगे गए बुलावा, हम सूती रहे सुबह, हमने लगे सवेरे गए बुला के लेके आए ना कि चला देखा हमारे बबुआ पापा कैसे हो गया है, हमें आवा है तो खत्म हो चुका है, बस इतना हम देखा कि खत्म हो चुका और हम कुछ देखा नहीं और खाट पर सो गए। क्या लग रहा है आप लोगों? हम लोग को लगा खत्म हो गया है, नटई दाब के मारा गया था। हम लोग नटई नहीं, वो सब देखे नहीं, हम बाहर निकाल गए ना, डॉक्टर आए ना, वो देखे ना, वो बता ना, तब हम पति जाना है, नहीं हम लोग जाने नहीं रहे, नटई दाब के मारा है कैसे पल रहा पूरा फांसी। हम लोग अंदर कुछ नहीं देखे। देखिए, अभी तो ये प्राइमर फेसिस देख के पहले तो लग रहा था कि ये सुसाइड का केस है, लेकिन जब इसमें थोड़ी गहराई से जांच की गई तो पता चलता है कि ये मर्डर है और हम अभी इसकी पत्नी को लाए हैं और उससे पूछताछ कर रहे हैं और लग रहा है कि ये अवैध संबंधों का मैटर है।
और अभी इसने नाम नहीं बताया है, इससे पूछताछ हो रही है, तो जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगा हम आपको बता देंगे। घटनास्थल पे आप गए थे, क्या लगा वहाँ देख के, जैसे किस तरीके से की गई? नहीं, घटनास्थल पे तो लग रहा है कि जैसे इसको मारा ही गया है। हाँ, गले में चोट है उसको, लगता है कि स्ट्रैंगुलेशन हुआ इसका। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।